खोराबर थाना क्षेत्र के चनकापुर कब्रिस्तान के पास 5 नवंबर को ही कृपाल तिवारी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खोराबर थाना क्षेत्र के चनकापुर निवासी संगम पासवान पुत्र योगेंद्र पासवान तथा रामपुर उर्फ रामगढ़ निवासी अभिनव कुमार पासवान पुत्र केदारनाथ पासवान के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 900 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में हत्या का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि हत्या का कारण रुपये का आपसी लेन देन तथा मृतक का हत्यारोपियों से मात्र 800 रुपये को लेकर विवाद था। उसी पैसे को लेकर शराब के नशे में इन लोगों ने मारपीट कर ली, जिससे कृपाल तिवारी की मौत हो गई। एसपी सिटी ने बताया कि हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 अभियुक्त अभी भी फरार है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। थाना क्षेत्र के ग्राम चनकापुर में 5 नवंबर की सुबह एक व्यक्ति कृपाल तिवारी नामक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी, जिनके शरीर पर चोट के निशान प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहे थे। चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह अभियोग अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इस अभियोग के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और मेरे पर्यवेक्षण में सीओ कैंट की टीम काम कर रही थी। इंस्पेक्टर खोराबार ने और उनकी टीम ने इस अभियोग का सफल अनावरण किया और इस हत्याक्रम में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक आदमी की गिरफ्तारी शेष है और पूरा प्रकरण जो है पैसे के लेन देन का मामला था। जिन लोगों ने मारपीट किया, मारपीट के बाद उनको चोट आई जिससे मौत हुई। मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर जो मृतक था कृपाल तिवारी, उसका 800 रुपये बकाया था और उसी विवाद में झगड़ा हुआ था और चोट आने के बाद उनकी मौत हुई। पहले शराब के नशे में थे कि पहले से? हाँ, शराब पिए हुए थे, शराब के नशे में थे, शराब के नशे में। हाँ, चूँकि अभियोग अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था और इसका सफल अनावरण किया गया है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया है टीम को पुरस्कृत करने के लिए। कृपाल तिवारी को अभिनव पासवान संगम पासवान को 800 रुपये देना था बताया। इन लोगों ने पैसा मांगा कि पहले का जो पैसा आपका बकाया है उसी बकाए को दे दीजिए। अब उसी बात को लेकर झगड़ा फसाद शुरू हुआ और वो मार्केट में तब्दील हो गया। वहाँ पर लगभग 20-25 आदमी थे, तो मारपीट शुरू हुई तो बाकी सारे लोग भाग गए। घटनास्थल वही चनकापुर था, जहाँ पे उनकी लाश मिली थी वो जहाँ मारपीट हुई थी उससे 100-150 मीटर दूरी पे। तीसरा आरोपी कौन? सोहन पासवान एक चनकापुर का ही। तीनों आपस में सगे संबंध हैं? हाँ, 2 साले बन हुई हैं। कौन? अभिनव पासवान जो है, अभिनव का ये साला है? नहीं नहीं, हाँ अभिनव का साला संगम पासवान है, ये साला है। और संगम पासवान मेरा साला है, अभिनव पासवान। और मृतक कौन क्या है? एक चतरा देवी है, उनका लड़का ये हो गया संगम पासवान जी, और उनका दामाद हो गया अभिनव पासवान, और एक जो तीसरा है उनका भतीजा है।